चलो आज देखते हैं कि हमें कौन सा चैलेंज मिलता है। मेकअप यूजिंग पॉपिट, क्या पॉपिट से मैं मेकअप करूं? ये रहा बटरफ्लाई पॉपिट, इससे तो आज तक मैं बस खेलती थी, लेकिन आज मैं इससे मेकअप करूंगी। और ये पॉपिट भी गाइस रेनबो कलर का है, तो आज हम कुछ रेनबो मेकअप करेंगे। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी फाउंडेशन। खुल जा। अरे ये पूरा नहीं खुलना है, ये वाला खुलना था। खुल गया। वैसे मैं सोच रही हूँ कि फाउंडेशन लगाओ किधर से, ऐसे बीच से लगाओ या फिर इसके कॉर्नर से? कॉर्नर से ज्यादा अच्छा लगेगा, तो कॉर्नर से ही फाउंडेशन लगा लेती हूँ। हो गया। पता नहीं कैसा लगेगा इस पॉपिट से फाउंडेशन, अच्छा ही लग जाए। चलो लगा ही लेते हैं। ये लग तो रहा है लेकिन ब्लेंड तो हो जाएगा ना गाइस, पता नहीं। तीन सौ साल लगेंगे इसको ब्लेंड करने में। लेकिन ये काफी अच्छे से ब्लेंड हो रहा है गाइस। थोड़ी देर खेल ही लेती हूँ। अरे फोरहेड पे तो फाउंडेशन ही नहीं लगा है, जल्दी से लगा लेती हूँ। कुछ ज्यादा ही लग गया गाइस ये तो। चलो ये तो हो गया, लेकिन इस डार्क सर्कल्स का मैं क्या करूं? अच्छा हाँ, कंसीलर लगा लेती हूँ। कंसीलर मैं इस बबल साइड से लगाऊंगी। ये मैंने कंसीलर बबल्स पे लगा लिया गाइस, अब इसे आंखों के नीचे लगाती हूँ, देखते हैं कितना काम करता है। क्या एलियन की तरह कंसीलर लग गया, ओ माय गॉड। लेकिन रुको, ब्लेंड करके देखते हैं। थैंक गॉड ये कंसीलर ब्लेंड हो गया अच्छे से। चलो अब इसे और भी अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं और आंखों के ऊपर भी। फाउंडेशन कंसीलर तो लगा लिया, लेकिन अब मैं लगाऊंगी ब्लश जो कि मेरा फेवरेट है। मेरे ब्लश पैलेट की तो जान निकल गई है। इतने मेहनत के बाद लगा, चलो बला टली। मेरा फेवरेट ब्लश तो लग चुका है गाइस, और ये काफी ठीक ठाक लग रहा है। अब हम लगाएंगे आई शेडो, वो भी रेनबो कलर का। वाओ रेनबो कलर का आई शेडो लगाने के लिए ना मैं इस बटरफ्लाई को ही फॉलो करूंगी, लेकिन चलो देखते हैं कि इसे कहां से लगाऊं। यहां से लगाऊंगी मैं। बटरफ्लाई में तो नीचे सबसे पहले पर्पल कलर है, तो मैं सबसे पहले पर्पल कलर लगाती हूँ और ऐसा ही करके बाकी कलर्स भी लगाऊंगी। और वाओ ये कितना सुंदर लग रहा है। अब नेक्स्ट कलर क्या है इसमें, चलो देखते हैं। अरे ये तो स्काई ब्लू है, तो चलो अब हम लाइट ब्लू कलर का शेड लगाते हैं। ये तो दोनों आंखों में बिल्कुल परफेक्ट लग गया, वैसा ही जैसा मैं चाहती थी।
अब ग्रीन कलर तो लगा लूँ, लेकिन ये ग्रीन कलर तो कहीं और ही लग गया। हद है यार, इसे तो अब हटाना पड़ेगा फिंगर से। अरे अरे ओ भाई ओ, आईलैशेस पे क्यों लग गए हो यार? भाई सारे कलर्स तो लगा लिए, अब रेड कलर बचा है, चलो इसे भी लगा लेते हैं। चलो आई शेडो तो कंप्लीट हो गया, अब आईलाइनर लगा लेते हैं इसी पैलेट में से, ये ब्लैक कलर लेकर के। भाई यहाँ बेइज्जती मत कराना, अच्छे से लग जाना आईलाइनर। गाइस अब बारी है इस पॉपिट से लिपस्टिक लगाने की, और ये हमारे इस मेकअप लुक का लास्ट स्टेप होगा। यार लिपस्टिक तो ढंग से लग जाना प्लीज। ये मैं क्या देख रही हूँ, लिपस्टिक तो बहुत अच्छा लग गया यार, ये पॉपेट तो मस्त है। जल्दी से मुझे नीचे कमेंट करके बता दो कि नेक्स्ट चैलेंज मैं कौन सा करूं, और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना नीचे, ताकि मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट चैलेंज कर पाऊं।